हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आइए आज दिखाती हूँ एक नई रेसिपी जो कि ब्रेड से बना है। ये स्वीट डिश है, यह है शाही समोसा जो कि हम ब्रेड से बनाएंगे। ये हमने कुछ ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, ये नारियल का बुरादा है, ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये मैदा 2 चम्मच है, ये 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, इलायची पिसी हुई थोड़ी सी, 1 कटोरा चीनी है जो कि चाशनी बनाएंगे, 1 से 2 चम्मच मलाई है फ्रेश, और ये हमने दूध गाढ़ा करके रखा है जिसको ऊपर से हम उस समोसे के ऊपर डालेंगे। आइए अब हम शाही समोसे के लिए फिलिंग बना लेते हैं। एक बाउल लेंगे और उसमें ये सब डालकर मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चीनी स्किप भी कर सकते हैं अगर कम मीठा पसंद हो तो, क्योंकि हम बनाकर इसको चाशनी में डालेंगे। इसमें हम मलाई 1 चम्मच डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बनाने से पहले हम लोग ब्रेड के किनारे ऐसे चारों तरफ से हम काट के निकाल लेंगे। देखिए हमने सब स्लाइसेस के किनारे काट लिए हैं, और जो ये हमने मैदा रखा था इसमें पानी डाल के एक स्मूथ घोल बना लेंगे समोसे को चिपकाने के लिए। देखिए हम लोग ब्रेड ऐसे लेंगे और इसको बेलन की सहायता से थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद एक तरफ इधर हम ये मैदे का घोल लगाएंगे और इसे लेके ऐसे ऐसे चिपका देंगे, एक कोन बना देंगे। ये बढ़िया से चिपकना चाहिए। देखिए ये हमारा कोन अच्छे से बन गया है। अब इसमें हम फिल करेंगे। अभी ऊपर की तरफ भी हम लोग ऐसे इस मैदे के घोल को लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से अच्छे से दबाकर चिपका देंगे। देखिए ये हमारा समोसा बनके तैयार है। ऐसे ही हम बाकी के भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सब समोसे भर के तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पे ऊपर से ये जो मैदे का घोल था इसको और थोड़ा पतला करके इसके ऊपर से हम हल्का हल्का मार देंगे ताकि इसके जो छेद हैं सब बंद हो जाएंगे और फ्राई करने पे ये फटेगा नहीं। इसको अच्छे से हम चारों तरफ से लगा देंगे। ऐसे ही हम सब बाकी समोसों में भी कर देंगे। और फ्रेंड्स, जब ये समोसा बनाएं तो हमेशा फ्रेश ब्रेड से ही बनाएं, तभी ये अच्छा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, हम चाशनी बना लेते हैं। ये 1 कटोरी चीनी है, इसके 1.5 कटोरी पानी डाल देंगे और इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। ये हमने घी रख दिया है गर्म होने के लिए, समोसे को तलने के लिए। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ घी लिए हैं और एक तरफ हमारा चाशनी उबल रहा है मीडियम फ्लेम पे। देखिए घी हमारा गर्म हो गया है, अब इस पे हम डाल देंगे इसे
से बहुत ही आराम आराम से हम तलेंगे ताकि ये फटे ना। मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम पलट पलट के बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसका। देखिए ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें से निकाल लेंगे और बाकी के भी ऐसे ही हम तल लेंगे। देखिए मीडियम फ्लेम पे हम लगभग 10 मिनट तक इसको उबाला। बढ़िया से ये चाशनी अब तैयार है। इसमें तार नहीं बनना चाहिए। देखिए हमारा चाशनी भी तैयार हो गया है और ये भी फ्राई होकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे इसको, बीच बीच में चलाते रहेंगे इसको, कम से कम 10 मिनट इसमें छोड़ देंगे ताकि ये बढ़िया से अंदर तक सोख हो सके। देखिए हमारा समोसा एकदम सिरप सब सोख लिया है, अब एकदम बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो आइए हम सर्व करते हैं। देखिए ये ऐसे हम सर्व करेंगे, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। इस पे हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट और दूसरे वाले में हम थोड़ी सी रबड़ी डालेंगे जो दूध गाढ़ा करके हमने बनाया था। इसको हम ऊपर से ऐसे डाल देंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा इस पर। आप फ्रेंड्स इसको घर पे जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही यमी है, सभी को बहुत पसंद आएगा। इसके ऊपर से हम ऐसे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।